दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात के बाद वापस लौटे पुलिस वाले। राकेश टिकैत ने कहा जारी रहेगा धरना, जल्द सरकार से बात करने की होगी कोशिश। सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी कॉलेज में किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बोले गर्दन पर तलवार रखकर नहीं होगी गिरफ्तारी। सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ आसपास के गांव वालों ने खोला मोर्चा। 24 घंटे के भीतर सिंघु बॉर्डर खाली करने का दिया अल्टीमेटम। किसान आंदोलन के समर्थन में जिंद चंडीगढ़ हाईवे ब्लॉक। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को भेजा पूछताछ का नोटिस। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया। 44 किसान नेताओं के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। सोशल मीडिया के जरिए दीप सिंधु ने दी सफाई, बोले जांच से नहीं भागूंगा, कुछ भी नहीं किया गलत। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के 6 संदिग्धों की हुई पहचान। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी दिल्ली पुलिस। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों से करेगी मुलाकात। मुलाकात से पहले कमेटी में अखबारों में विज्ञापन देकर कृषि कानून पर मांगे हैं सुझाव। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की तैयारियों को लेकर आज सीएम योगी करेंगे अहम बैठक। 4 फरवरी से चौरी चौरा शताब्दी समारोह की होगी शुरुआत। आगरा में लव जिहाद के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा। लापता युवती के परिजनों ने जताई बेटी के साथ लव जिहाद की आशंका। हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे की सुनवाई की अपील खारिज। जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी। पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। मंत्री स्वाति सिंह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जेल गए थे नसीबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ में बीजेपी नेता पंकज लोधी गिरफ्तार। बीजेपी नेता पर पुलिस को धमकी देने का है आरोप। योगी सरकार वापस लेगी व्यापारियों पर दर्ज केस। लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमों से मिलेगा छुटकारा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस थाने में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, पत्रकार मृणाल पांडे समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट लिखने और गलत खबर फैलाने का आरोप। गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी लिए यूपी पुलिस को मिला सम्मान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया सम्मान। संबल से कोरोना वैक्सीन में रखरखाव में बड़ी लापरवाही। फ्रीजर का तापमान कम होने की वजह से वैक्सीन की 52 डोज खराब। वाराणसी में रानी भवानी गली में पुराना मकान गिरा, हादसे में 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। प्रयागराज में होमोसेक्सुअल साइट के जरिए दोस्ती कर ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर जनपदीय ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी में व्यापारी के ड्राइवर से हुई 30 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। रिश्तेदार ने ही ड्राइवर के साथ लूट की प्लानिंग की, 8 गिरफ्तार। लखनऊ में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग और उसके बेटे से लूट, बदमाशों ने लूटे 42,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बरेली के नवाबगंज थाना इलाके में एक पिता ने अपने बेटे को ढूंढकर लाने वाले को 50,000 रुपए लेने का ऐलान किया है। 3 महीने पहले दर्ज कराया था मुकदमा। बरेली में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग में लड़की पक्ष पर दोनों के अत्याचारों मुकदमा दर्ज। उन्नाव में 9 साल की मासूम का शव मिलने से अड़कम। परिजनों का दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के लिए 92 मकानों की रजिस्ट्री होने के साथ ही एक चरण पूरा। मकानों का ध्वस्तीकरण जारी, अक्टूबर तक काम पूरा होने की उम्मीद। बस्ती में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को 10 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा यमुना नदियों में प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई। शासन की रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज। पीने योग्य भी नहीं है गंगा यमुना का पानी। बिजनौर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन समेत 10 सपा नेता और 200 से 250 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। पुलिस के साथ छीना झपटी का आरोप। मथुरा में यूपी रोडवेज की वर्कशॉप में एक बस में वेल्डिंग के दौरान लगी आग। मौके पर मौजूद रोडवेज कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। मेरठ शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को बसाने की योजना, काफी काम अभी भी है बाकी, अभी तक दुकानों का आवंटन नहीं। झांसी में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक के ड्राइवर और सहायक ने ट्रक से कूद कर बचाई जान। गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसान आंदोलन धीरे धीरे हो रहा है खत्म। किसानों ने अब अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। जय वाजपेयी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर असलाह का लाइसेंस हासिल किया था।
किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा को लेकर वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों ने विश्वनाथ मंदिर के बाहर किया प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस प्रशासन ने बातचीत के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नेता रामबाबू कटेलिया के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। कानपुर के बिदुनी थाना क्षेत्र के कुरिया में एक डंपर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने तीन डंपरों को रोककर उन्हें आग के हवाले कर दिया। जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान में दो चोर गिरफ्तार। मौके पर चोरी की 23 बैटरियां समेत एक रेनोवा बरामद। औरैया में दबंगों ने सरे बाजार अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन 420 के तहत नकली ब्रेक शू बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आरोपियों को साहिबाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के कविनगर में मादक पदार्थों की तस्करी में एक आरोपी गिरफ्तार। मौके पर 5 किलो गांजा बरामद। मेरठ में एसटीएफ के ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 9 सालों से फरार चल रहा था आरोपी। पीलीभीत में जमीनी विवाद में एक शख्स ने अपने 8 साल के भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने देखा फिल्म मैं मुलायम का ट्रेलर। मुलायम सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 11 फरवरी को होगी रिलीज। सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी का प्रकटोत्सव मनाया गया है। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बिजनौर में यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। जालौन की उरई में एक चौकीदार की हत्या में मामले में खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में जीएसटी के विरोध में वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बरेली में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की टॉपर छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी दी गई है। मिशन शक्ति के तहत मातृशक्ति को दिया जा रहा है बढ़ावा।